हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2019 का जो नई लिस्ट है उसको कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से आप घर बैठकर ही उसको ऑनलाइन चेक कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 2019 का जो नई लिस्ट है ये आ चुका है और ये बिल्कुल आप अपने मोबाइल से अब ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान है चेक करना दोस्तों। दोस्तों अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया है और नई लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो दोस्तों ये मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा किस तरह चेक करना है। आप बहुत ही आसानी से आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आपके नाम आया है कि नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहती है तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को प्लीज़ एंड तक का देखते रहिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2019 का जो नई लिस्ट है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन का कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके बाद में आपको सिंपली सर्च कर देना है प्रधानमंत्री आवास योजना 2019 लिस्ट, ये लिख कर आपको सर्च कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है पेज को और फिर आपको ये लिंक मिल जाता है। ये जो ऑफिशियली लिंक है हाई लेवल फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। जैसे कि मैं ग्रामीण का चेक करने वाला हूँ दोस्तों तो मैं इस लिंक पर क्लिक कर दूँगा और आप भी कर दीजिएगा उस पर क्लिक और उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो डायरेक्ट लिंक है मैं दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको करना क्या है, सबसे ऊपर में जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है PMAYG कम्युलेटिव प्रोग्रेस टिल डेट, ठीक है, उसमें आपको क्लिक करना है साइट पर और इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है 2019-2020, ठीक है, उसमें आपको टिक मार्क लगा देना है। तो उसमें आप लगाएंगे तो आपको जो नई लिस्ट है ये आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको कर लेना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको मिल जाएगा ऑल स्टेट, ठीक है, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आप कौन सा स्टेट से है आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आसाम से हूँ तो आसाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं खसार से हूँ तो खसार को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है और आपका ब्लॉक कहाँ पर है ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ब्लॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको मिलेगा सिलेक्ट का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है और आपका GP सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी पंचायत है उसी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं कर देता हूँ और दोस्तों आपका सिलेक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये फाइनली आपको करना कि आपका सब काम जब कंप्लीट हो जाएगा सिलेक्ट करने का उसके बाद में आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों जैसे कि ये ओपन हो चुका है मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा पेज को स्क्रॉल डाउन करूँगा पेज को तो दोस्तों आप देख पा रही है जो नई लिस्ट है ये हमारे सामने खुल के आ चुका है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रही है बहुत लंबी लिस्ट है ये हमारे सामने खुल के आ चुका है और मैं उसको चेक कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैं साइट पर जाता हूँ तो दोस्तों देखिए ये सारी की सारी अभी भी घर का जो काम है ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये नई लिस्ट है इसलिए अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ नई घर का काम, लेकिन बहुत ही जल्द हो जाएगा दोस्तों। उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है सीरियल नंबर विलेज और फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर बेनिफिशियरी नेम, सभी ऑप्शन मिल जाता है, हाउस मिल जाएगा और आपको सेंक्शन मिलेगा, इंस्टॉलमेंट मिलेगा और अमाउंट रिलीज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी डिटेल्स आप उसमें से पढ़ सकती हैं, चेक कर सकती हैं।
अगर आप ये पेज को अब डाउनलोड करना चाहते हैं आपके फ़ोन पर, तो आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड पीडीएफ फाइल पर क्लिक कर देना है। तो ये जो भी पेज है, पूरी पेज आपके फ़ोन पर डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फाइल पर, ठीक है। और दोस्तों आप देख पा रही ये जो लिस्ट है, पूरी लिस्ट हमारे फ़ोन पर डाउनलोड हो चुका है पीडीएफ फाइल पर। उसके बाद में अगर आप उसको जेरेक्स करके निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकती है कंप्यूटर पर जाके, जैसे कि मैं बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब इसी तरह बहुत ही आसानी से आपका जो नई लिस्ट है उसको चेक कर सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल जाएगी।